हे गाइस, दिस इज शिफाली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज है 30th September और हम लोग आए हुए हैं बाहर। बहुत अच्छी धूप निकली हुई है जस्ट अभी। तो आज का प्लान ये है कि मैंने सोचा क्यों ना अंकल आंटी के लिए खाना बनाया जाए, क्योंकि अंकल आंटी हमेशा हमारे लिए इतना अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं। अगर आप लोग कभी भी श्रीनगर आएँ और जमैका हाउस बोट में स्टे किया अगर आप लोगों ने, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आंटी के हाथ की जो कुछ डिशेज़ हैं, वैसे तो आंटी सारा खाना बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन जो कुछ फेवरेट हैं हमारी जो हमें बहुत अच्छी लगी वो ज़रूर ट्राई करना। जैसे कि कश्मीरी पनीर बहुत डिफरेंट स्टाइल होता है, जो हम लोग खाते हैं नॉर्मली वैसा नहीं होता, आप लोगों ने नहीं खाया होगा। उसके बाद हमने खाया था रोगन जोश। रोगन जोश भी आंटी ने बहुत डिलीशियस बनाया था, स्पेशलिटी है कश्मीर की, तो आप ज़रूर ट्राई करना। और आंटी जो भी खाना बनाती है, आंटी ने वो अपनी ग्रैंड मदर से सीखी है, तो आप समझ ही सकते हो कितना टेस्टी और कितना ऑथेंटिक रोगन जोश होगा वो। उसके बाद हम लोगों ने खाया था कश्मीरी बिरयानी, वो भी बहुत टेस्टी थी। कल तो हमने सब खा ली थी, कुछ भी नहीं बचाया। आप चिकन कबाब ट्राई कर सकते हो, आप फ़िश कबाब ट्राई कर सकते हो, उसके बाद आप लोग एग करी ट्राई कर सकते हो। ये सारा खाना आंटी बहुत टेस्टी बनाती है, तो आप लोग जब भी कभी यहाँ पे आओ आंटी के हाथ का खाना खाना मत भूलना। तो ये है अंकल की एक और हाउस बोट, जिसको बहुत जल्दी अंकल रिनोवेट करेंगे। और यहाँ पे देखो गाइस कितना बड़ा ईगल बैठा हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो तो। तो अंकल की बोट में रहने का फ़ायदा ये है कि एक तो आप क्राउड से बहुत दूर हो जाओगे, और लोग आते ही हैं अपने हॉलीडेज़ में ताकि वो लोगों से दूर रहें, थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। साथ ही में जो अंकल की हाउस बोट से व्यू आता है गाइस, वो बहुत ही सुंदर है। कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई और हाउस बोट नहीं है सामने या कोई घर नहीं है सामने, और आप बहुत सारी बर्ड वॉचिंग कर सकते हो यहाँ पे। हम रोज़ सुबह उठ करके अंकल की हाउस बोट के आगे बैठ जाते हैं और बहुत सारी बर्ड वॉचिंग करते हैं, बहुत मज़ा आता है, बहुत ही पीसफुल है। तो वैसे तो आपको पूरे डल लेक में बहुत सारी हाउस बोट मिल जाएंगी, लेकिन ये जो एरिया है ये बहुत क्वाइट है। सिर्फ वन नाइट के लिए लोग आते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग चले जाते हैं, तो वैसे आप हाउस बोट इन्जॉय नहीं कर पाओगे। आप आओ एक दिन और नेक्स्ट डे भी पूरा स्टे करो और उसके बाद जाओ। तो दो दिन तो एटलीस्ट स्टे करो हाउस बोट में, तब आपको यहाँ पे आप थोड़ा लोकल के साथ इंटरेक्ट कर पाओगे, थोड़ा समझ पाओगे हाउस बोट का कॉन्सेप्ट, और आपको थोड़ा मज़ा आएगा। तो अभी आलू मैश कर दिया है हम, तो अब मैं बनाने जा रही हूँ आलू का पराठा अंकल आंटी के लिए। यहाँ के कश्मीरी आलू बहुत स्वीट होते हैं, ऐसा आंटी ने बताया मुझे, तो मैंने सोचा कि ठीक है आज आलू के पराठे बनाए जाए। और ये फिलिंग तैयार कर रखी है हमने। यहाँ के पोटैटो बहुत ही ज़्यादा, कैसे बताऊँ मैं, जैसे आप देख सकते हैं स्टिकी स्टिकी से हो रखे हैं। मुझे थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा, वरना मेरे हाथ में चिपक तो यहाँ के आलू बहुत ज़्यादा ही स्टिकी स्टिकी होते हैं, तो उसमें मैं थोड़ा बनाने में प्रॉब्लम हुई। तो पहला वाला मेरा ऐसा बना है छोटू सा, फिर अब समझ आया कि ऐसा बनाना है। तो ये है मेरा पराठा, तो बन गया मेरा पराठा। तो हम लोग भी आ गए हैं हाउस बोट में, अंकल आंटी अब वहाँ पे खा रहे हैं आराम से बैठ कर के, और हमने अपना सेटअप लगा दिया है यहाँ पे। ये हमारा आलू का पराठा विद कर्ड। तो हम लोग पहुँच गए अब घाट पे, और आज मैं लोकल साइट सीन करने जा रही हूँ, तो हमारे साथ मुजफ्फर भाई भी हैं और शिखर भी है। तो
तो अभी हम लेंगे शेयर्ड कैब, तो उसी का वेट कर रहे हैं हम लोग। हम लोग हाइक करके आ रहे हैं अभी, और सबसे पहले जा रहे हैं परी महल, उसके बाद हम वापस आते हुए जाएंगे चश्मे शाही। हमने चश्मे शाही क्रॉस कर दिया है अभी। अच्छी खासी हाइक है ये। तो गाइज यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स भी हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये जो मेन रोड है इसको छोड़ के कोई शॉर्टकट ना ले। तो अभी थोड़ा स्कैरी हो गया मेरे लिए, क्योंकि इन्होंने वाइल्ड एनिमल में बनाया भी हुआ है टाइगर नीचे। तो क्योंकि आप सभी को पता होगा यहाँ पे पास में ही है दाचीगम नेशनल पार्क, जो कि टाइगर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए यहाँ पे हमें थोड़ा केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। तो गाइज वैसे तो यहाँ पे सब लोग आ रहे हैं अपनी कैब बुक करके या फिर ऑटो बुक करके, लेकिन मुजफ्फर भाई ने बोला कि यहाँ पे ट्रैक करके जाने में ज़्यादा मज़ा आएगा, और अभी रिसेंटली हमने एक ट्रैक भी किया है तो आप उसका वीडियो भी देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, और हमको मज़ा आने लगा ट्रैक में, इसलिए हम जा रहे हैं ट्रैक करके। तो गाइज आपको ये डल लेक दिख रही होगी, और यहाँ से कहीं से हमने अपनी हाइक स्टार्ट करी थी, और आप देख सकते हैं बीच में रास्ता भी दिख रहा है। फिर ऐसे ऐसे होते हुए हम पहुंच गए हैं परी महल। तो अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो तो आपको अंदर जाने देंगे, अगर आपका सिर्फ एक ही डोज हुआ है तो यहाँ पे आपका टेस्ट होगा। जैसे कि भैया का हो रहा है, तो मुजफ्फर भाई का सिर्फ एक ही डोज कंप्लीट हुआ है वैक्सीन का, इसलिए इनका टेस्ट हुआ है यहाँ पे अभी। तो हम लोग पहुंच गए हैं अभी परी महल, और यहाँ से जो व्यू दिख रहा है वो बहुत सुंदर है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से ट्यूलिप गार्डन भी दिख रहा है, बट अभी ट्यूलिप तो है नहीं उसमें। और यहाँ से आप डल लेक देखो, आपको बहुत आगे आगे तक दिखेगा, फिर इस तरफ भी दिखेगा। तो गाइज यहाँ से देखिए अब कितना अच्छा व्यू आ रहा है, और मैं आप लोगों को भी समझाती हूँ। तो ये है सबसे पहले तो नीचे गवर्नर का हेलीपैड, और ये जो आप देख रहे हैं ये है पूरा गोल्फ़ कोर्स, जो कि एशिया का सबसे बड़ा है और जो गुलमर्ग में था उसके इक्विवेलेंट है। फिर इस तरफ है ललित होटल, उसके आगे है वो ओबेरॉयज़ होटल, ये आप देख सकते हैं पूरी डल लेक, वो सामने दिख रही है चार चिनार, और उधर से ही होते 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 हम पहुँच जाते हैं अपनी हाउस बोट पे। तो बहुत सुंदर व्यू है यहाँ से, और अगर आप इस तरफ देखो तो वो जो आपको बीच में थोड़ा दिख रहा है वो है ट्यूलिप गार्डन। परी महल को मुगल प्रिंस दारा सिखो ने 16 सेंचुरी के मिड में बनाया था, जो कि एक लाइब्रेरी की तरह यूज हुआ करती थी, और कहते हैं कि दारा सिखो 1640 से 1654 के बीच में यहीं पे रहा करते थे, और बाद में इसी जगह को ऑब्जर्वेटरी की तरह भी यूज किया गया था, जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी की स्टडी किया करते थे। तो ऊपर परी महल के पास तो इतनी कोई शॉप्स वगैरह नहीं थी, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं चश्मे शाही के पास, आप देख सकते हैं। खाने पीने के ऑप्शंस भी हैं यहाँ पे, और यहाँ से जाना है अभी ऊपर। तो आप देख सकते हैं कितने सारे टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे, और सब अपनी अपनी गाड़ियों से ही आते हैं। तो यहाँ पे एडल्ट का टिकट है 24 रुपीज़, और चाइल्ड का है 12 रुपीज़, और यहाँ से हमें जाना है अंदर।
तो पहुंच गए हैं हम लोग चश्मे शाही, और यहाँ पे कहते हैं कि इंदिरा गांधी और नेहरू को यहीं से पानी जाता था। तो उस ज़माने से लेके आज तक लोग कहते हैं कि जो यहाँ का पानी पिएगा उनको कोई डिजीज़ नहीं होगी। तो मैं आपको ले चलती हूँ वहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि पिकनिक का कल्चर बहुत ज़्यादा है, काफ़ी सारी फैमिलीज़ यहाँ पे आती है और पिकनिक करती है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी काफ़ी सारे लोकल्स बैठे हुए हैं, इस तरफ भी, और इस गार्डन में काफ़ी सारे फूल लगे हुए हैं, इवन गुलाब तक यहाँ पे हैं। अभी नीचे निषाद में तो सारे मुरझा गए थे। तो ये है गाइज वो रॉयल स्प्रिंग, और इसके अंदर जाना प्रोहिबिटेड है, अंदर पैर डुबाना या फिर कुछ भी करना। तो यही है वो जगह जहाँ से पानी जाता था पुराने ज़माने में, इंदिरा गांधी को और नेहरू को। तो हमारी बॉटल में हम यहाँ का पानी भर रहे हैं, और ये नेचुरल स्प्रिंग वाटर है और बहुत ही हीलिंग वाटर है ये। इसको पी के कहते हैं कि बीमारी वगैरह सब ख़त्म हो जाती है। बहुत ठंडा है, अरे बाप रे, ऐसा लग रहा है ये आइस वाटर है। आप बॉटल में देख सकते हैं बहुत ठंडा पानी है, ऐसा लग रहा है फ्रिज से निकाला होगा। आई होप गाइज आपने मेरा आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। मेरे नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कश्मीर की लोकल मार्केट का अपना एक्सपीरियंस। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।